दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे चैनल गुड इवनिंग। शाम के समय ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मम्मी बना रही है आज बहुत ही टेस्टी सुपर लाजवाब टेस्टी हलवा, जो कि खाली तीन चीजों से बनने वाला है, घी, आटा और चीनी। बस इन तीन चीजों से बनाएंगे सुपर टेस्टी हलवा। और इस खिड़की पे हमारी श्यामा दीदी बैठी हैं। वीडियो बनवाने का बहुत शौक है। देखो श्यामा, ये कौन है? मिंटू है। राम 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 राम। कटोरी आटा लेना है। गेहूं का मैदा मत ले लेना और किसी चीज का आटा मत ले लेना। गेहूं का आटा होना चाहिए, जैसा भी है मोटा पतला, पर गेहूं का होना चाहिए, आटा होना चाहिए। कटोरी शुद्ध देसी घी, प्योर घी लेना जिससे अच्छा टेस्ट है। ऑन तो करो। कढ़ाई में घी डाल लेना है। पानी डालना है वन बाय वन करके। सर्वप्रथम हम एक कटोरी पानी डालेंगे। इससे ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा ही बढ़िया हो जाता है, दानेदार बिल्कुल। चला लेंगे इसे लम्स ना बने, जो कितना प्यारा कलर और टेक्सचर देखो कितना बढ़िया आया। कढ़ाई एकदम से छोड़ने लगी। हाँ, कढ़ाई छोड़ने लगी इसको घी की वजह से, और ये घी भी छोड़ने लगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया, बिल्कुल सर्व करते हैं। दो मिनट चला लेंगे। देखो ये कितना सॉफ्ट बना है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसे खाना जी को भूख लगाने जा रहे हैं। हलवा बन चुका है और मान की शैतानी चल रही है। बस थोड़ी गर्मी तो लगी, लेकिन हाँ बना बहुत टेस्टी है। गोपाल जी का भोग लगाने के लिए गई है और फिर देखिए खा के देखेंगे फिर कैसे पूछते हैं आपका कैसा बना है। थोड़ी गर्मी के बाद अब अच्छा लग रहा है कि बच्चों को जब पसंद आए। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। देखो ये कितना घी छोड़ रहा है, बहुत टेस्टी है। देखो कितना घी छोड़ता है, सिर्फ इसमें देसी घी, आटा और जो है चीनी, तीन चीजों से बनता है और एकदम बढ़िया बना। अभी इससे ज्यादा टेस्टी हलवा नहीं खाया मैंने। आलू का केक मैंने भी नहीं खाया। आपने भी नहीं खाया? आपको भी टेस्टी लगा? खाने में इतनी गर्मी में बनाने का कुछ तो मतलब जो सुकून मिला कि बच्चों के लिए पसंद आया। उधर देखो श्यामा भी खा रही है, देसी घी की चीजें तो बहुत मन से खाती है। देखो कितने मन से खाने बैठी है।